हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह चर्चा करने चल रहे हैं आज गोदान। गोदान जैसा कि आप जानते हैं, गोदान जो है, गोदान प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे गाय की समस्या। गाय ही समस्त समस्याओं का जड़ है, या समस्त घटनाएं गाय के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं गाय। गाय के कारण ही पूरी समस्या इसमें होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो पात्र हैं होरी और धनिया, होरी इसका नायक है और धनिया इसकी नायिका है। होरी डब्बू प्रवृत्ति का व्यवहार कुशल एक किसान है और वह गाय प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? गाय प्राप्त करना चाहता है और गाय की अभिलाषा लिए वह अंत तक लगा रहता है, किंतु गाय की अभिलाषा पूर्णतः उसकी संतुष्ट नहीं हो पाती। अर्थात गाय को प्राप्त करते वह स्वयं मर जाता है, किंतु वह गाय से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता। जैसा आप जानते हैं कि गाय, जब भोला यादव एक गाय लिए आ रहा है, गाय को देख करके होरी लालायित हो जाता है और गाय के पीठ पर हाथ रखता है। भोला कहता है कि होरी, अगर गाय लेना हो तो ले ले, तुमसे थोड़े पैसे कम लगा देंगे। गाय को देख करके होरी के मन में लालसा आती है। एन केन प्राकरण एक दिन होरी गाय ले लेता है। अब भोला यादव से वो गाय लेता है। गाय को लेने के बाद वह जब भोला के घर भूसा पहुंचाने जाता है, अब भूसा पहुंचाने जाता है तो भूसे को पहुंचाने के कारण उसके शरीर पर जो धूल कण लग गए थे, उसको धुलने के लिए जब कुएं पर जाता है तो वहां पर भोला की विधवा पुत्री को देखता है। गाय के कारण ही भोला का पुत्र, होरी का पुत्र गोबर वहां तक गया और वहां जाने के बाद उसका झुनिया से मेल होता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं तो उनके बीच में शारीरिक संबंध हो जाता है। यह शारीरिक संबंध के कारण ही झुनिया जो है गर्भवती होती है और एक दिन जब उसके बच्चे होने का समय आ जाता है तो वह जो है होरी गोबर से कहती है कि हे गोबर, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने जाती हूं, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। इस समस्या को गोबर न सुलझा करके घर से भाग जाता है। दूसरी तरफ धनिया अपने क्रांति का परिचय देती है और स्वयं उसको जो है लेकर अपने घर लाती है और उसके बच्चे का जन्म होता है। और गाय के कारण ही होरी को गौहत्या का पाप लग रहा है। गाय के कारण ही ये पूरी समस्याएं घटी। अगर गाय न आती तो न ही होरी और गोबर भोला यादव घर भूसा पहुंचाने जाते और न ही उनके बीच में किसी प्रकार की तकरार होती, न ही होरी के भाई द्वारा उसके जहर देने से गाय की मृत्यु होती, न उसे गोहत्या का पाप लगता, न ही उसके ऊपर कर्ज होता और वह जो है इस तरह से ये घटनाएं न होती। तो और अंततः होरी गाय की अभिलाषा लिए हुए जब एक कृषक से मजदूर बन जाता है और मजदूर की स्थिति में उसकी मृत्यु होती है तो भी उसे गोदान देने के लिए अंत समय में जो गोदान हिंदू धर्म में दिया जाता है वह भी वह प्राप्त नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप भोला की क्या होती है, मतलब होरी की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से आप देखते होंगे कि गाय ही गोदान में सबसे बड़ी समस्या का कारण बनती है, क्योंकि गाय की इर्द गिर्द ही पूरी घटनाएं घूम रही हैं। किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं? गाय के इर्द गिर्द ही
पूरी की पूरी घटनाएं घूम रही हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गाय ही गोदान में महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पर रही और गाय के कारण ही समस्त समस्याओं का उद्भव और विकास हुआ। समझ गए? तो ये जो है महत्वपूर्ण घटना रही है और यही घटना आगे चल करके जो है एक बहुत बड़े उपन्यास के साकार जीवन को बदल देती है। ठीक है? तो ये प्रश्न रहा है आपका कि गाय की समस्या किस तरह से उपन्यास की मुख्य समस्या बनी रही और यह गाय के इर्द-गिर्द ही किस तरह से यह घूमती रही। ठीक है? तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण बिंदु है गाय। तो गाय ही गोदान में समस्या के प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा क्या गाय ही गोदान की महत्वपूर्ण समस्या है, महत्वपूर्ण समस्या है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये इस पर प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को आप लोग लिख सकते हैं और लिख करके जो है इसके उत्तर को बता सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है आपकी मुख्य रूप से क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से पुनः। ठीक है? तब तक के लिए जो है विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।